तो दोस्तों, अभी आपने मेरे को बताया कि दुबला पतला कवि है, पर घबराइए मत, मेरा नाम मिठू मिठास है, दुबला पतला कवि हूँ, पर आपका खून नहीं चूसूंगा। आपका खून नहीं चूसूंगा यानी कि अपनी हास्य कविताओं से आपका उल्टा खून बढ़ेगा, और खून आपका बढ़ेगा इसका मतलब ही है कि मैं यहाँ रक्तदान करने आया हूँ। एक बार जोर से स्वागत कीजिए, मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान मेरी जन्मभूमि है, तमिलनाडु मेरी कर्म भूमि है, और ये काव्य मंच मेरी धर्म भूमि है। धर्म भूमि की जिम्मेदारी निभाते हुए एक व्यापारी होने के नाते मैं सबसे पहले अपनी नजरों के तराजू से आपके प्यार को तोलता हूँ, फिर आपको दिल से जोड़ता हूँ। और दोस्तों, मैं एक ऐसा बहादुर कवि हूँ जो घर में वाइफ के आगे खामोश और माई के आगे बोलता हूँ। वाइफ के आगे खामोश इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर में बोलता नहीं हूँ, बोलता जरूर हूँ, पर बोलते वक्त पत्नी ये कहते हुए टोक देती हैं, कान पकड़ के रोक देती हैं कि ये घर है, कोई दिल्ली का दरबार नहीं है, और घर में शादीशुदा मर्दों को बोलने का अधिकार नहीं है। अब आप ही बताइए, जब ऐसे कवि की घर में बेइज्जती होती है, अपमान होता है, तो घर की चौकट के बाहर कदम बढ़ाना पड़ता है, और आपका प्यार पाने के लिए हमें मंच पर आना पड़ता है, आपका प्यार पाने के लिए हमें मंच पर आना पड़ता है। अब कविता शुरू होती है, सुनिए सर। एक दिन हमारी धर्म पत्नी ने हमसे पूछा कि आप सुबह उठकर दुकान जाते हैं, दिन भर कमाकर रात को घर लौट आते हैं, फिर खाना खाकर मस्ती करके सो जाते हैं, फिर मुझे ये बताओ जब समय मिलता ही नहीं तो कविता कब बनाते हैं। हमने कहा, तू क्या सोचती है कि हम किसी और की लिखी हुई सुनाते हैं? ऐसा नहीं है यार, बस तेरे सोने का करते इंतजार। जब तू गहरी नींद में सो जाती है तो हमारी कविता हमें पास बुलाती है, हमारी प्यास बुझाती है, और तेरे जगने से पहले हमारी कविता कंप्लीट हो जाती है। मुंह बिगाड़ते हो, बोली, अच्छा तो मेरे सोने के बाद आंखें चार करते हो, पास्ट में तो मैं लेटी रहती हूँ और तुम कविता से प्यार करते हो। भले ही बार तुम्हारी साफ सुथरी छवि होगी, अनुभवी हो, पर मेरी नजरों में तो तुम नालायक कवि हो। खैर, तुम्हारी कविता का मुझे कोई गम नहीं, पर मेरे जीते जी तुम्हें छू ले उसमें उतना दम नहीं। देखना, मैं कल रात भर जागूंगी और तुम्हारे सपनों में भी कविता आई तो उसकी चटनी बनाकर चटा दूंगी। हमने कहा, रे भाग्यवान, कविता कोई हसीन लड़की नहीं, मलिका शेरावत नहीं, हमारी कल्पना है। कल्पना का नाम लेते ही जल गई, फिर से उलझ गई। कल्पना का नाम लेते ही जल गई, फिर से उलझ गई, बोली, पहले कविता और अब कल्पना, पहले कविता और अब कल्पना, बुढ़ापे में ये कैसा बचपना, मैं हैरान हूँ परेशान हूँ, मेरे सामने ये कैसी हैट्रिक लगा रहे हो, लोगों से तो एक वीपी पलती नहीं और तुम तीन तिल को पाल रहे हो। आखिर हमारी भी कोई गरिमा होती है, हद की सीमा होती है, हम भी विलेन की तरह पलट कर बोले, बहुत हो गया गाली गलोच, अब तो बंद करो अपनी चोंच, कविता कल्पना तुम्हारी सोतन नहीं, हमारे दिमाग की है सोच, हमारे गुस्से का पारा चढ़ते देख वो बिस्तर पे फ्लैट हो गई, गहरी नींद में खो गई, हमने भी सोचा छोड़ यार, इस बेस के चक्कर में कविता तैयार हो गई, इस बेस के चक्कर में। समय की सीमा है और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक गीत पढ़ना चाहता हूँ सर, आपके आगे होगी जी, बिल्कुल ज़्यादा भूमिका नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अपन राजस्थान से जुड़े हुए इंसान हैं और संस्कृति सभ्यता और संस्कार को सदा बचा कर रखना चाहिए। हम कई बार जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो हम बच्चों को कोड़े को नाल उल्टी वगैरह लेके जाते हैं, लेकिन अपने राजस्थान की धरती पर जाके, ये मेरा गांव है, ये मेरा बाड़ा है, ये मेरा चबूतरा है, या मैंने कबड्डी खेली थी, या हमने खो खो खेला था, या लुका छुपी खेली थी, वो चीज़ नहीं बताने से हमें बहुत नुकसान होता है, हमारा संस्कार पर बहुत दाग लगता है। तो एक संदेश भरी रचना आप तक सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा सर। सारी दुनिया में जिसने संस्कारों का डंका बजा रखा है उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, और जिस पावन मिट्टी से अपना रिश्ता जुड़ा है उसे हम राजस्थान कहते हैं। पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अगर हिंदुस्तान का इतिहास निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता, उसी तरह हिंदुस्तान में अगर राजस्थान का इतिहास निकाल दिया जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। एक संत, एक राजस्थान के प्रति कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। बिल्कुल। अरे मारवाड़ रो मोरियो, मारवाड़ी सुयो बोलियो,
तिलक लगा जो उन माटी सो जिन में जीवड़ो डोलियो, तिलक लगा जो उन माटी सो जिन में मनड़ो डोलियो, दरा को मान बड़ा जोरे ओ बाया मान बड़ा जोरे, दरा है अपने सर की पगड़ी ने चमका जोरे, चमा चम थे चमका जोरे, टिमा टिम थे टिमका जोरे, दरा है अपने सर की पगड़ी ने चमका जोरे, सारी दुनिया में है प्यारो अपनो हिंदुस्तान रे, इंडिया अपनो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में चांद को टुकड़ो अपनो राजस्थान, मरुदर अपनो राजस्थान, उन्हें दरा पर कई जन्मिया बहादुर वीर जवान, सुनो जी बहादुर वीर जवान, चौदह राणा तेजा मीरा रूणे चारी सान, ओ बाबा रूणे चारी सान, इनारे रस्ते जा जोरे, जाने अपनी लुटा जोरे, धरा है अपने सर की पगड़ी ने चमका जोरे, नीम खेजड़ी मोर चिड़कली ऊंटा को है देश, आपनो ऊंटा को है देश, भूल गया थे धोती कुर्ता बदल दियो थे बेस, बाया आकर थे परसे, खूब खाजो काजू कतली रसगुल्ला थे खास, मीठा रसगुल्ला थे खास, मती बोल जो बड़ी रबोड़ी पचकूटा को साग, सांगरी पचकूटा को साग, जटे भी थे रही जोरे, इनारो भोग लगा जोरे, धरा है अपने सर की पगड़ी ने चमका जोरे। अगली लाइन चार लाइन सुनिएगा, चाहिए खूब कमा लो पैसो, ध्यान दीजिए सर, जितने भी लोगों को पैसे पे घमंड है उसके लिए चार लाइनें सुनाना चाहता हूँ, चाहिए खूब कमा लो पैसो, बड़ो बना लो बंगड़ो रे ऊंचो, बड़ो बना लो बंगड़ो, अपनी दराने मती बोल जो बात मन में रख लो रे सेठा, बात मन में रख लो, गणी उड़े हविजाजी हवा में आवे धरती, छूने रे नीचे आवे धरती छूने, इनी तरह आ जाता रही जो अपनी दराने छूने रे बाया, अपनी दराने छून गली गांव याद रख जोरे, टाबराने भी बता जोरे, धरा है अपने सर की पगड़ी ने चमका जोरे, धरा है अपने सर की पगड़ी ने चमका जोरे। आखिरी चार लाइने, आखिरी चार लाइन के, हो पराई बोम में रेवण आया, खूब करा कमाई जोड़ा देखो पाई पाई, पराई बोम में रेवण आया, खूब करा कमाई जोड़ा देखो पाही पाई, ज्यादा नहीं तो थोड़ी कर जो थे दुखिया की बलाई रे सेठा, थे दुखिया की बलाई, रे जावे लो मेल मालियो पैसो देखो सारो रे बेरी पैसो देखो सारो, ना जाने किन कर्म से मिलियो चोखो मिनक जमारो, आपनो चोखो मिनक जमारो, नहीं कोई आग लगा जोरे, नहीं कोई दाग लगा जोरे, डरा है अपने सर की पगड़ी ने चमका जोरे, चमा चम थे चमका जोरे, टिमा टिम थे टिमका जोरे, धरा है अपने सर की पगड़ी ने चमका जोरे, धरा है अपने सर की पगड़ी ने चमका जोरे, ना शिकायत करता हूँ ना सिकुआ गिला करता हूँ, ना शिकायत करता हूँ ना सिकुआ गिला करता हूँ, आप सभी सलामत रही, प्रभु से यही दुआ कहता हूँ, प्रभु से यही दुआ करता हूँ, और मिट्ठू जो ठेरा इस पिंजरे का पंजी, इस पिंजरे का पंछी, इस पिंजरे में थोड़ा आराम करता हूँ, इस पिंजरे में थोड़ा आराम करता हूँ।